नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। एक नज़र केपी एक्सप्रेस में कर्नाटक की अहम खबरों पर। कर्नाटक, पिछले 24 घंटों में 326 नए कोरोना पॉजिटिव, 380 हुए डिस्चार्ज, 4 लोगों की मौत। बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई शहर में बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करेंगे। कर्नाटक, आपने बीजेपी की आलोचना की, बीजेपी पर राशन चोरी करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय बीएससी ऑनर्स कोर्स शुरू किया। आईटी द्वारा खोजी गई संस्थाओं में कर्नाटक कांग्रेस की इमेज कंसल्टेंसी फर्म। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में 7 स्थानों पर संस्थानों की तलाशी ली है और बेहिसाब निवेश और फर्जी खर्च का पता लगाया है। बेंगलुरु में ग्रोइंग सीरीज सीडलिंग कार्यक्रम आज। सेंट मार्क सर्कल के पास ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चों को कोविड नियमों और यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने के लिए ग्रोइंग सीरीज सीडलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक, बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल। मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था 90 बच्चों पर परीक्षण। बेंगलुरु में कोविड के आधे मरीज 19 से 40 आयु वर्ग के। पाबंदियों की अनदेखी बना बड़ा कारण, चिकित्सकों ने कही ये बात। बेंगलुरु में 21 अक्टूबर से हो सकती है भारी बारिश। दुबई एक्सपो 2020 में अधिक विदेशी निवेश के लिए कर्नाटक मजबूत पिच बनाता है। अधिकारियों को शर्म करने के लिए केआरएस कार्यकर्ताओं ने की गड्ढे पूजा। विक्टोरिया अस्पताल गैर कोविड रोगियों के लिए बिस्तर खाली करेगा। बेंगलुरु, गैंग ने की हत्या, शव के साथ थाने में किया सरेंडर। बेंगलुरु, नौकरी देने के बहाने लोगों को ठगने के लिए आईएएस अधिकारी के रूप में पेश करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। कर्नाटक प्राइमरी स्कूल 25 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे, सरकार नोटिस और दिशा निर्देश जारी कर सकता है। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।